दोस्तों, दुनिया में क्रैब यानी केकड़े की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, पर क्या आपको पता है कि उनमें से एक विशेष केकड़ा भी है। इस जीव का नाम है दैत्य केकड़ा। इसे दुनिया का सबसे ताकतवर केकड़ा भी कहा जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। वैसे तो सामान्य केकड़े का नाम सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे में इस भूरे रंग के नुकीले कांटे वाले केकड़े को देखकर आपके पक्का होश उड़ जाएंगे। ये दैत्य केकड़ा इतना ताकतवर होता है कि ये इंसानों की हड्डियों को तक आसानी से तोड़ सकता है। इतना ही नहीं, ये पेड़ पर से नारियल को गिराने और उसे मिनटों में ही तोड़ डालने में भी एक्सपर्ट होता है। इसकी इन्हीं खूबियों के चलते इसे कोकोनट क्रैब भी कहा जाता है। एनिमल एक्सपर्ट के मुताबिक इस केकड़े में नुकीला कांटा काफ़ी मजबूत होता है। यह नारियल के बाहरी कवच को भी आसानी से तोड़ सकता है। इनके अंदर 3300 न्यूटन बल की ताकत होती है। यह केकड़ा दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में पाया जाता है। एक वयस्क दैत्य केकड़े की लंबाई 1 मीटर होती है, जबकि वजन 4.5 किलोग्राम के आसपास होता है। इतना ही नहीं, समय के साथ इन केकड़ों का रंग भी बदल जाता है। युवावस्था में ये भूरे रंग के होते हैं और इनके पैरों पर काली धारियां होती है, जबकि वयस्क होने पर ये हल्के बैंगनी या गहरे बैंगनी रंग के हो जाते हैं। हालांकि कुछ केकड़े भूरे रंग के ही रह जाते हैं। कोकोनट क्रैब करीब 7 साल तक जीते हैं। मेल और फीमेल क्रैब का मिलन मई से सितंबर के बीच होता है और वह अंडे देते हैं। यह केकड़े सड़ी गली चीजों को खाकर अपना गुजारा करते हैं। वह सड़ी हुई पत्तियों से लेकर सड़े हुए फल और यहाँ तक कि अन्य केकड़ों के कवच को तक खा लेते हैं। इसके अलावा वे फ्रेश फ्रूट्स, नट्स और सीड्स का भी भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कोकोनट क्रैब 33 फीट जितने ऊंचे नारियल के पेड़ पर चढ़कर भी नारियल को तोड़कर नीचे गिरा सकते हैं और उनके शरीर की रचना कुछ इस प्रकार होती है कि वह 15 फीट की ऊंचाई से भी गिरे तब भी उन्हें कोई चोट नहीं लगती। इनके अंदर सूंघने की क्षमता काफ़ी तेज होती है और इसी वजह से यह अक्सर रात को अपने खाने की तलाश में बाहर निकलते हैं। यह केकड़े आमतौर पर जहरीले नहीं होते, पर कभी कभी उनके द्वारा खाए गए खुराक से वह जहरीले बन जाते हैं। जैसे कि कई बार यह केकड़े सी मैंगोव यानी सेराबेरा मैंगोव खाते हैं। यह एक आम जैसा दिखने वाला फल है जो समुद्र के तट पर पाया जाता है। यह फल जहरीला होने का मूल कारण उसमें पाए जाने वाला कार्डिक कार्डिनोलाइट्स है, जो एक स्टेरॉइड का प्रकार है। जब यह केकड़े इस फल को खाते हैं तब वह जहरीले बन जाते हैं। यह केकड़े जहरीले न होने पर भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि उनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। यह इंसान की हड्डियों को भी आसानी से तोड़ सकता है। यह केकड़े की पकड़ को कैसे ढीला किया जाए, यह जानना भी आवश्यक है। केकड़े के शरीर के नीचे का भाग सॉफ्ट होता है। जब वह पर किसी सॉफ्ट चीज से गुदगुदी की जाए तो वह अपनी पकड़ ढीली कर देता है। तो दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताइए। आप हमारी प्रीवियस वीडियोज नीचे क्लिक करके देख सकते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे फिट। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।